नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम शशांक गुप्ता है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री जी, मुझे और मेरे युवाओं को ये जानकर बहुत ज्यादा गौरव फील होता है कि हमारे देश की ताकत की तारीफ पूरी विश्व कर रहा है। इसी संदर्भ में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे देश हर एक सेक्टर के अंदर काफी सारी योजनाएं हैं, जैसे एजुकेशन के अंदर हमारे पास स्किल इंडिया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, हमारे पास डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, हमारे पास इवन रिसर्च के लिए प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम है, इवन हमें डिप्लोमेसी सीखने के लिए स्टूडेंट एंगेजमेंट एमईए प्रोग्राम है। इसी विषय में सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सभी का हमें कैसे हर एक जिले में, हर एक नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, हर एक युवाओं को कैसे इसका लाभ मिलेगा, कैसे उस चीज को वो प्राप्त कर सकते हैं, यही मेरा क्वेश्चन है। धन्यवाद। आपकी बात सही है कि कभी कभी योजनाएं तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि पहले की सरकारें कोई कुछ करती ही नहीं होगी, योजनाएं तो उन्होंने भी बनाई होगी। कुछ योजनाएं आइडिया तक सीमित रहती होगी, कुछ योजनाएं कागज पे जाती होगी, कुछ योजनाएं फाइल के आगे निकलती होगी और फिर समय उसी में बीत जाता होगा। हकीकत में अगर हम लास्ट माइल डिलीवरी करते हैं, एजुकेशन करते हैं, तब योजनाओं का लाभ है। अब आपको मालूम है कि देश ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब हुआ था, और इसलिए किया गया था कि बैंकों में गरीबों का हक मिलना चाहिए। उस समय हमारे देश में फैशन थी गरीबों के नाम पर खेल खेलने की। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होकर के 40-45 साल हो गए, लेकिन देश के गरीबों का बैंक अकाउंट खुला नहीं। अब कोई बैंक ने बैंक अकाउंट नहीं खोलना, ये तो कहा नहीं था, लेकिन लास्ट माइल डिलीवरी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान दिया और देश के हर व्यक्ति का बैंक खाता होना चाहिए, ये हमने तय किया। और शुरू में हमारी थोड़ा बैंक वालों से थोड़ी परेशानी भी रही, हमने ये कहा कि जीरो अमाउंट से बैंक खाता खोलना है। कोई बैंक वाला क्यों शुरू होगा भाई जीरो अमाउंट से, कठिन काम होता है, ये करना पड़ता है। और जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खोले गए और आप देखिए हमारे देश के गरीबों की अमीरी देखिए, अमीरों की गरीबी तो बहुत देखी है, लोग भाग जाते हैं। और गरीबों की अमीरी देखिए, जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खोलना था, लेकिन इन गरीब परिवारों ने बैंक का अकाउंट का उपयोग करते हुए सेविंग की दिशा में गए और आज करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपया उन्होंने सेविंग किया है बैंक अकाउंट में। ये गरीबों की अमीरी है और देश गरीबों की अमीरी से ही आगे बढ़ने वाला है। अब ये क्यों हुआ? तो लास्ट माइल डिलीवरी से हुआ। अब मान लीजिए मर्ज बराबर याद है, दादा धर्माधिकारी करके गांधीयन विचारक थे, कभी आपको भी मौका मिले तो दादा धर्माधिकारी जी की किताबें पढ़ने जैसी, छोटी 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 चीजें लिखते थे वो, आचार्य विनोबा जी के प्रभाव में रहे थे। उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि मेरे बोले परिचित परिवार के किसी ने भेजा कि भाई बच्चा बड़ा गया हो गया है, अब तो ग्रेजुएट भी हो गया है, लेकिन कहीं रोजी रोटी नहीं मिलती है, कुछ व्यवस्था कीजिए। तो मेरे पास बोले आया तो मैंने उसको पूछा तुझे क्या आता है, तो उसने कहा मैं ग्रेजुएट हूँ। नहीं, हाँ बोले ग्रेजुएट हो, लेकिन आता क्या है तुझे? नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ भाई ग्रेजुएट हो, लेकिन तुझे आता क्या है? कहा नहीं मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं 3 साल कॉलेज लेके आया। अरे उन्होंने कहा भाई तुम्हें ड्राइविंग आता है क्या? तो बोले नहीं आता है। खाना पकाना आता है क्या? बोले नहीं आता है। टाइपिंग करना आता है? बोले नहीं आता है। तो तुझे आता क्या है? दादा धर्माधिकारी ने बड़े सटीक तरीके से इस बात का वर्णन किया है।
हमारा जो कौशल विकास का प्रयास है उसके पीछे है कि परमात्मा ने हमें हाथ दिया है, हुनर की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है, और जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसकी एक ताकत है कि इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता जी, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, आत्मविश्वास उसका बढ़ जाता है। तो हम देश भर में इस नेटवर्क को खड़ा कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स, पहला एक जमाना था कि बड़े बाबू के बेटों को मिलो तो वो कहेगा कि मैं भी बाबू बनना चाहता हूँ। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो अफसर हैं उनको पूछता हूँ कि बेटा क्या करता है, बोले साहब वो तो सरकार में आना नहीं चाहता, वो तो स्टार्टअप करना चाहता है। यानी स्टार्टअप एक इनोवेशन, कुछ नया करना। और सरकार ने मुद्रा योजना बनाई है, इस मुद्रा योजना से बिना बैंक गारंटी देश का कोई भी व्यक्ति बैंक से पैसा ले सकता है जी। और इस सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया ऐसे नौजवानों पे भरोसा करके दिया है, और 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली बार बैंक से पैसा लिया है, उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा करना होना तय कर लिया, और खुद तो हो गया, साथ में 1-2 लोगों को और रोजगार दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हम योजनाएं बना रहे हैं लास्ट माइल डिलीवरी पर बल देकर के कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि इन योजनाओं की तरफ अब आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे जो करीब देश में 2.5 लाख गांवों में है, वहां पर सरकार की 400 से ज्यादा योजनाओं का लाभ आप ऑनलाइन जानकारी लेकर के उसका फायदा उठा सकते हैं। आप नौजवान भी अपने इलाके में बता सकते हैं कि देखो भाई कॉमन सर्विस सेंटर में एप्लीकेशन फॉर्म है, कहाँ जाना क्या जाना, ये सारा गाइडेंस है और डिजिटली अवेलेबल है, उसको हमने समझा दिया तो उसको पहुंच सकता है। कभी सबसे बड़ी बात क्या हुई, हमने देशवासियों पर भरोसा करना तय किया है। एक सोच थी सबको चोर मानना, क्योंकि खुद में अंदर चोर बैठा था, और ये सबको चोर मानना, मैंने कहा ऐसा नहीं जी, कुछ लोग होंगे गलत रास्ते पर, लेकिन अधिकतम लोग ईमानदार होते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए जीते हैं, ऐसे लोग होते हैं। अब आप मुझे बताइए, पहले आपको अगर कहीं एप्लीकेशन करनी होती थी तो आपकी सर्टिफिकेट का जेरोक्स नहीं चलता था, आपको किसी म्युनिसिपैलिटी के चुने हुए मेंबर के पास से उसको सर्टिफाई करवाना पड़ता था, ये था ना पहले। आपको 2-2 घंटे कतार में खड़ा रहना पड़ता था, और वो भी बड़ी तिशमारखी मारता था, कल आना परसों आना, कितनी बार आओगे, सब एक साथ लेके आओगे, ऐसा कैसे लाए, ऐसा होता था ना। हमने क्या क्या जरूरत है भाई, वो एक कॉरपोरेटर या तहसील पंचायत अधिकारी, एक एमएलए, एक एमपी, वो कौन होता है ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाला, अरे खुद ही दे दो कि मैं ईमानदारी से देता हूं, और कर लिया मैंने। इस देश का कोई भी व्यक्ति अपने सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट करके दे सकता है, और जब फाइनल देखना होगा तो ओरिजिनल दिखा देना भाई, बेकार में परोसे परेशान क्यों। तो ये बदलाव जो है, उस बदलाव से आप देखते होंगे कि नीचे तक एक सकारात्मक गुड गवर्नेंस का प्रभाव, और अल्टीमेटली डेवलपमेंट प्लस गुड गवर्नेंस, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिर्फ डेवलपमेंट स्कीम हो, एक गांव में बढ़िया बस स्टेशन बना दें, वहीं डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है। डेवलपमेंट तब पूरा होता है बढ़िया बस स्टेशन हो, बस स्टेशन की सफाई भी हो, बस समय पर आती हो, कंडक्टर का व्यवहार ठीक रहता हो, ये सब पैकेज अच्छा हो, तब जाकर के बस स्टॉप का उपयोग है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंटरलिंक ऑल आउट एक बदलाव महसूस हो। अब स्वच्छ भारत, अब मुझे बताइए क्या टॉयलेट के कार्यक्रम पहले नहीं चलते थे क्या, लेकिन आप आधा अधूरा काम करोगे तो नहीं चलेगा। हमने तय किया एक बार इस समस्या से मुक्त होना है, निकल पड़ो, देश में 9 करोड़ टॉयलेट बन गए जी। हमारे देश में बच्चियां स्कूल इसलिए छोड़ देती थी क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल की होते होते महसूस कर रही थी कि बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है, और उसी एक मानसिक बोझ के कारण बच्ची 5-6 साल की पढ़ाई के बाद, 5वीं कक्षा के बाद निकल छोड़ देती थी। मैंने कहा भाई कम से कम स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट तो बनाओ। अब कोई कह सकता है अरे भारत के प्रधानमंत्री का ये काम है क्या टॉयलेट बनाना, उसको तो बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। बड़ी बातें करने वाले 13 चले गए मेरे पहले,